तो ओप्पो की तरफ से नया फोन आ चुका है, ओप्पो एफ 25 प्रो 5G जो हमारे पास आ चुका है। हम इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग फटाफट। चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग में देखेंगे क्या क्या हमें मिलने वाला है और कैसा फोन होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी इसमें देने वाले। तो बॉक्स कर लिए हम पहले अनबॉक्स। इसमें मिलने वाला है हम लोगों को क्या क्या चीज़, तो इसमें मिलने वाला हमको एक मोबाइल, मोबाइल के साथ कवर आएगा, कवर के साथ एक पिन आएगी, सिम इजेक्टर टूल जिसे कहा जाता है, और कुछ गाइडेंस के पेपर्स आ जाएंगे। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इतना टाइम होगा आपके पास। तो उसके बाद इसमें आपको मिलने वाला है, आगे ओपन कर लेते हैं हम फोन को। फोन में हमें क्या क्या मिलने वाला है, फोन के नीचे क्या क्या रहेगा, बॉक्स के अंदर, वो सारी जानकारी हम इसमें देख लेंगे। तो फोन के बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। फोन के बॉक्स में हमें एक चार्जर मिल जाता है विद केबल के साथ। तो केबल कितने हैं, कितने वैट की सपोर्ट है ये चार्जर, आप देख सकते हैं। इसमें 67 वाट का सपोर्टेड है और ये केबल दी गई है आपको इसके साथ। 67 वाट का मतलब 45 मिनट के हावर के अंदर ये बोल रहे हैं फुल चार्ज करके दे देंगे, तो अच्छी बात है। तो देख लेते हैं मोबाइल की तरफ, मोबाइल हमें कौन सा कलर का मिला है ये भी देख लेते हैं। तो मोबाइल जो आया हमारा लावा रेड कलर का है, वो भी दिखने में काफ़ी अच्छा खासा लुक दिया गया है, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा कलर दिखाई दे रहा है मुझे। और इसमें हम चेक कर लेंगे, अभी इसे चालू कर लेते हैं और इसमें चेक कर लेते हैं कैमरा वगैरह सारी चीज़ें चेक करेंगे कैसा फ़ोन रहेगा, तो हम उसकी जानकारी इसमें ले लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास इतना सा प्रोडक्ट आ गया है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या खास होने वाला है इस पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, वीडियो पे बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा आप लोग। तो ऑन हो गया है हमारा फोन। ऑन होते ही इसमें हम देख लेंगे कैमरा, प्रोसेसर और कौन क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है 7050 का दिया गया है और फुल HD प्लस डिस्प्ले, बॉर्डरलेस डिस्प्ले दिया गया है, एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा ये फोन। और 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया बॉर्डरलेस, आप देख सकते हैं किस तरह दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो कि बैक में अगर आप देखेंगे तो ये मेटल की रिंग दी गई है इसमें। उसके साथ कलर भी बहुत ही अच्छा है, मैंने इसमें एक वीडियो बनाई है जो कि मुझे बहुत ही अच्छी पसंद आई। इसमें आप देख सकते हैं मैंने एक वीडियो जो बनाई है वो ऐसा है कि इस वीडियो में मुझे बनाते समय जो पीछे का बैकग्राउंड जो पोर्ट्रेट मोड बोला जाता है वो इसमें मैं कर सकता हूँ, वीडियो में भी वो सारे फीचर मुझे इस फ़ोन में मिले रहे हैं। मैंने चेक किया इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑप्शन है, 4K है फ्रंट बैक दोनों साइड में, ये देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें देख लीजिए ब्लर हो गया है पीछे का बैकग्राउंड, इस वीडियो में दिख जाएगा। उसके बाद कैमरे की बात कर लेते हैं, कैमरा 64 मेगापिक्सल के होने के बावजूद बहुत ही अच्छा कैमरा दिया गया है जो कि 200 मेगापिक्सल, इस बजट में आप कोई भी कंपेयर कर लो तो अच्छा दिखाई देता है। लुक वाइज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मार्केट में 5 तारीख से बिकना शुरू हो गया 5 मार्च से। तो आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को और सबको शेयर कर दीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कैमरा चेक कर लो एक बार, देख लो कैसा कैमरा रहेगा उसके बारे में। तो वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।